आज के बाद कोई भी जिंदा आदमी चेयरमैन नहीं होगा, चेयरमैन हार फॉर एवर जब तक ये इंडस्ट्री है हजी कादरी होगा, जो चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन। मैं इस वक्त अपने आप को चेयरमैन की कुर्सी से नीचे करके वाइस चेयरमैन की सीट पर आ रहा हूँ, और दूसरी से मैं ये चाहता हूँ कि वाइस चेयरमैन के साथ एक एसोसिएट चेयरमैन भी होने चाहिए, ताकि अगर चेयरमैन अवेलेबल वाइस चेयरमैन नहीं है तो एसोसिएट चेयरमैन हो। और मैं आप सबकी इजाज़त से जनाब परवेज कलीम साहब को एसोसिएट चेयरमैन। इसी तरह मैं थोड़ा जो इजाज़त है जी मिस बोले, तुसी चेयरमैन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो अजीज साहब वास्ते, मेरा ख्याल है कि बानी जो लफ्ज है बानी है, चेयरमैन तुसी रहो, चेयरमैन जिंदा शख्सियत ही रखो, बानी हो गई है जो सानू इज्जत मिली हुई है पंजाबी, अज भी अगर ले लो ना माला जट चल रही है और पंजाब ने जो इज्जत दी है माफी देना नहीं, तुसी ठीक कहंदे हो लेकिन मेरा दिल नहीं पड़ता कि सिर्फ बानी हो, बानी किस गल का, देखो बानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बानी होनी पंजाबी फिल्म देखो जिस वे उन्होंने तो पहले लारे नज़ीर साहब ने लिखी, फिर नज़ीर साहब ने लिखी, उस तो बाद बाबा आलम सिंह बोस भी सन, अजीज साहब भी सन। राइटर एसोसिएशन का चेयरमैन का मतलब है कि तमाम राइटर का जिम्मे एक धर्मात्मा होता है, मेरा यह मकसद से कि अगर वो चेयरमैन हो गए तो सानू वाइस चेयरमैन हो, क्योंकि उन्होंने फखर है कि असी वाइस चेयरमैन हो, वो फॉरएवर चेयरमैन रहे। क्योंकि बानी अगर मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पहली फिल्म उन्होंने लिखी होंगी तो फिर वो इस मकाम से भी पहुंच जाते, तो जब तो उन्हें पहुंचे नहीं पहुंचा सी, फिर उन्होंने कहा नासिर साहब माफी चाहते बानी बहुत अच्छा था जो इन्होंने एक मुकाम और मर्तबा बख्शिया पंजाबी फिल्म ने उस तो पहले नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी, लारे फेरे च नहीं सी, इधर तो कोई शुभ ही नहीं, और उन्होंने एक जदीद पंजाबी फिल्म को इकरार दिया।